अल्लाह सलामत रखे मेरे अजद रजा खान मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है अजब है सब्ज गुंबद के नजारे अजब है सब्ज गुंबद के नजारे निगाहों को खुदा याद रहा है निगाहों को खुदा याद रहा है शेर के लिए इस कलाम का मैंने इंतखाब किया है वो दो शेर पेश खिदमत हैं समाअत फरमाए सुभान अल्लाह मचल के गए सुभान अल्लाह सवारी अश्र में गुजरी है किसकी बिलखसूस ये दो अशार हमारी माए बहने पर्दा नशीन खवातीन इस्लाम के लिए बिलखसूस ये दो अशार सवारी पर्दे पर आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है ना हिजाब ना लगाए इंशाल्लाह हम उतना ही अपनी बहन अपनी बेटियों है ना सबको इंशाल्लाह नकाब पहनाएंगे पहनाते हैं और ज्यादा पहनाएंगे इंशाल्लाह सवारी हश्र में गुजरी है किसे की सवारी हश्र में गुजरी है किसकी सभी का सर झुकाया जा रहा है सभी का सर झुकाया जा रहा है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शेर वो पेश कर रहा हूँ ये चक्की ये चक्की सैयदा की चल रही है ये चक्की सैयदा की चल रही है ये चक्की सैयदा की चल रही है
ईसा जिसका जमाना खारा है, ईसा जिसका जमाना खारा है, ये चक्की से अदा की चल रही है, ये चक्की से अदा की चल रही है, ये चक्की से अदा की चल रही है, पिसा जिस का जमाना जिंदाबाद फैजान खातून जन्नत خاتون جنت حسنین کریمین کی امی جان علی مشکل کشا کی اہلیہ محترمہ مسلکی اعلی حضرت عشق محبت پیار محبت بستی قریا فیضان غریب نواز فیضان بخاری شاہ رب العالمین ثم الحمدللہ یہ غرور سارا زمین پر ہی رہ جائے گا پسا آٹا زمانہ کھا رہا ہے حق ہے نا الحمدللہ رب العالمین سارے تیور زمین پر ہی رہ جائیں گے محتاج زمانہ جس کا کل تھا آج ہے قیامت تک کے لیے رہے گا ہے نا الحمدللہ بڑا پیارا شعر ہے سبحان اللہ یہ چکی رضی اللہ تعالی عنہا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے تصور کریں یو نو اللہ اکبر پسا جس کا زمانہ کھا رہا ہے الحمدللہ یہ کرم ہے بالائی کرم ہمارے اعلی حضرت عظیم البرکت کا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین نے عشق محبت کا ایسا انجیکشن لگایا ہے جو قیامت تک کے لیے بے اثر نہیں باثر رہے گا انشاءاللہ نسلن بعد نسلن رہے گا انشاءاللہ اور اس کا اثر الحمدللہ یہاں پر بھی دکھتا ہے اپنے ملک میں بھی دکھتا ہے دیگر ممالک میں بھی دکھتا ہے دنیا بھر میں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت کا عشق نظر آتا ہے نا بس یہ جو جنون ہے نا للہ یہ ہمیشہ قائم رکھیے گا اپنے مسلک پر ہمیشہ قائم رکھیے گا مسلک سے نہ کل کسی بھی طرح کی بات سنی تھی نہ مستقبل میں کبھی کسی کی بات سنیں گے الحمدللہ رب العالمین جس مسلک کی خاطر بڑے بڑے بزرگوں نے دعا کی ہے ہم سب کے سب اسی مسلک پر چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ میرا مرکز بریلی تھا بریلی ہے بریلی رہے گا کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم پیدا ہی ہوئے ہیں تکلیف دینے کے لیے الحمدللہ رب العالمین ہمارے مرکز کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکم سر آنکھوں پہ ہوتا ہے تو بس الحمدللہ رب العالمین اچھا مجھے یہ بتائیں اللہ
कितनों दिनों के बाद ऐसी नूर निगहत में डूबी हुई शबने आप सब भीग रहे हैं। ऐसा लग रहा है लल्ला कि बस शब भर ऐसे ही महफिल नूर सजी रहे। मेंबर नूर पर ये जो सादात इकराम की मंडी लगी हुई है, उलमाए ज़वील एहतराम का बाजार सजा हुआ है, मद्दहाने खैरुल अनाम की आवाज में हम सब मुअत्तर हैं, गुंबदे खजरा की सैर कर रहे हैं, कभी बगदाद मौला पहुंचते हैं, कभी अजमेर मौला, और जितने भी सफर होते हैं अहले सुन्नत व जमात के वो बगैर बरेली के तो होते ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बस मसलक पर कायम रहे, मजहब अहले सुन्नत पर कायम रहे, सख्ती के साथ वाबस्तगी रखें, और अल्हम्दुलिल्लाह फरमाने आली शान सैयदना हुजूर ताजु शरिया बदरुत तरीका व हुजूर सैयदना मुहद्दिस कबीर पर सख्ती के साथ कायम और दायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह है ना, अल्लाह का फजल है, हमारे मरकज में किसी चीज की कमी नहीं। अच्छा, उनको मत देखें कि कहां से आ रहे हैं, किस स्टाइल में आ रहे हैं। अच्छा, ये मत देखें कैसे उतरे, कैसे पहना, कैसे पेश हुए, यू नो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि ये देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह चिराग बगदाद मौला का हो, रोगन उसमें अहमद रजा का हो, सुभान अल्लाह, रोशनी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर रजा माजिसे कबीर की हो। समझ रहे हैं ना लल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी वही चाहिए जो हुजूर ताजु शरिया बदर तरीका में इश्क मोहब्बत में हो। समझ रहे हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे की खूब सुनिए, खूब दुआ करवाइए, और जरा भी इससे जुदा हो तो समझ रहे हैं ना लल्ला, न कल कोई जरूरत थी ना आज कोई जरूरत है। टू द पॉइंट जवाब, समझ गए आप, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह आप सबको आबाद शाद। ये शेर कैसा लगा लल्ला, है ना, पिसा आटा है ना, पिसा जिसका जमाना, अरे आटा ही पिसता है लल्ला। अब क्या बताएं, वहाबी देवबंदियों की शक्ल में अगर घून बन करके आ जाएं तो वो भी फिर अब नजर नहीं आते हैं, है ना लल्ला। सुलह कुल्लियों की तो बाजार सजी थी, लेकिन एक दुर्वेश कलंदर आया, पूरी दुनिया की बाजार को खत्म करके चला गया, और वो भी कलंदर ऐसा था जो मकबूले बारगाह रसूल भी था, मकबूले बारगाह गौस-ए-सकलैन भी था, नूरे नजरे हुजूरे गरीब नवाज भी था, जिसको पूरी दुनिया अपने भी बेगाने भी याद करते हैं तो ताजु शरिया की शक्ल में याद करते हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये जो जज्बा है इसको हमेशा सलामत रखें, इस जज्बे को हमेशा कायम रखें। बरेलवी हूं नमाज न पढ़ू मुमकिन नहीं लल्ला, बरेलवी हूं कुरान न पढ़ू मुमकिन नहीं लल्ला, बरेलवी हूं माँ बाप का अदब न करूं मुमकिन नहीं, बरेलवी हूं अल्हम्दुलिल्लाह वहाबी देवबंदी सुलह कुल्लियों से रिश्ता करूं पॉसिबल नहीं है, बरेलवी बन करके जी रहे हो तो सच्चे बरेलवी बन करके जियो, नमाज पंजगाना पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप का अदब करो, बहन से मोहब्बत के साथ पेश आओ, छोटों के साथ शफकत और मेहरबानी कदरदानी के साथ मुखातिब हो, और ये मसाजिद के इमाम इकराम ज़वील एहतराम की जो पाकीज़ा जमात है उसे अदब और एहतराम के साथ पेश आया करो। महीने में कभी एक दिन बुला करके दस्तरखान घर में सजाओ, दावत दे करके बुलाओ, नजर दे करके रुखसत करो, फिर देखो इंशाअल्लाह घर में ऐसी रहमतें बरकतों का नुजूल होगा, इकट्ठा करके रखने के लिए जगह ढूंढोगे। समझ रहे हैं ना, जब कब्रिस्तान की जानिब से नायबे रसूल का गुजर हो जाए तो कब्रिस्तान के सारे मरहूमीन के अजाब को रब तबारक तआला नायबे रसूल के सदके में उठा लिया करता है, और जब मुसल्लम नायबे रसूल घर में आएगा अदब एहतराम के साथ तुम मुखातिब होगे पेश आओगे तो सोचो कि कितनी रब तबारक तआला की रहमत तुम्हारे घर पर होगी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर हम सब लोग फिर सुनेंगे, है ना? अरे अल्लाह,
ये लल्ला मैं बार बार इसको देख रहा हूँ। आज इस घर के अल्हम्दुलिल्लाह न जाने कितनी औलादें यहाँ पर मौजूद हैं। सुनने वाला, पढ़ने वाला, सुनाने वाला, मतलब कराने वाला, सब पढ़वाने वाला, सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से वाबस्तगी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्तगी इनकी भी वहीं से है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, नाना के नायब यही लोग हैं, समझ रहे हैं ना, ये सब के सब नायब रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब के सब वाजिब तआज़ीम उलमाए ज़वील एहतराम की जमात है। अल्लाह इनके साये को देर तक सलामत रखे, उम्रों में खूब खूब बरकतें अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुना दे लल्ला मेरे, ये चक्की से अदा की चल रही है, ये चक्की से अदा की चल रही है, ऐसा जिस का ज़माना खा रहा है, ऐसा जिस का ज़माना खा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना 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 उनका सदका खा रहा है, ज़बीबे बेनवा ज़हरा के सदके, ज़बीबे बेनवा ज़हरा के सदके, ज़माने भर में इज्जत पा रहा है, ज़माने भर में इज्जत पा रहा है, ये चक्की से अदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, साजिस का ज़माना खा रहा है, साजिस का ज़माना खा रहा है।